हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न इट वन क्लिक। फ्रेंड्स, आज के इस सीरीज में मैं स्टेट वाइज स्टैटिक जीके स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि हर एक स्टेट की मैं सेपरेट वीडियो लूँगा। उसमें उस स्टेट की कैपिटल, सीएम, गवर्नर, फोक डांसेस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, एयरपोर्ट्स, डैम्स, रिवर एंड जो भी कैबिनेट मिनिस्टर की कंस्टिट्यूएंसी है उस स्टेट में एंड एक्सेट्रा मैं डिस्कस करूँगा। ओके, तो इस वीडियो में मध्य प्रदेश के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ स्टैटिक जीके, जो कि इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन स्पेशली बैंकिंग के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर मैंशन कीजिए फ्रेंड। देखिए, मध्य प्रदेश को एमपी बोला जाता है। 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ सेपरेट हुआ। उससे पहले तक मध्य प्रदेश इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट था एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अब सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल है मध्य प्रदेश की भोपाल, और भोपाल को सिटी ऑफ लेक भी बोला जाता है। कमर्शियल कैपिटल मध्य प्रदेश की है इंदौर। ओके, इंदौर को मिनी मुंबई बोला जाता है। मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट सिटी भी इंदौर है। मध्य प्रदेश का फाउंडेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, और मध्य प्रदेश अपना फाउंडेशन डे हर एक साल 1 नवंबर को सेलिब्रेट करता है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया है, यानी फॉरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया का हाईएस्ट एरिया है मध्य प्रदेश में। पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 5th रैंक है मध्य प्रदेश का इंडिया में एज पर द 2011 सेंसस। अब बाउंड्री की बात करूँ तो मध्य प्रदेश की बाउंड्री 5 स्टेट से लिंक है। वेस्ट में गुजरात, वेस्ट नॉर्थ में राजस्थान, नॉर्थ में उत्तर प्रदेश, साउथ ईस्ट में छत्तीसगढ़ एंड साउथ में महाराष्ट्र से। ओके, मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 51, यानी 51 जिले हैं मध्य प्रदेश में। और प्रोडक्शन की बात करूँ मैं तो मध्य प्रदेश सोयाबीन के प्रोडक्शन में टॉप पर है। पल्सेस यानी दाल के प्रोडक्शन में नंबर वन पर है, इसीलिए मध्य प्रदेश को बोला जाता है सोया रीजन ऑफ इंडिया। देखिए, मध्य प्रदेश इंडिया के एकदम मिडिल में है, इसलिए सेंट्रल, इसीलिए इसका नाम मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश सोया रीजन भी बोला जाता है। वीट प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का जो रैंक है 3rd है। सीएम की बात करूँ तो सीएम यहाँ पर है शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर ओपी कोहली जी हैं। ओपी कोहली जी गुजरात के भी गवर्नर हैं। कुछ कैबिनेट मिनिस्टर की मैं बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है विदिशा में। नरेंद्र सिंह तोमर भी ग्वालियर के हैं और ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये मैंसन करना है कि नरेंद्र सिंह तोमर की कैबिनेट मिनिस्ट्री कौन सी है, आई मीन किस चीज़ के वे मिनिस्टर हैं। अब इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का और फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, और ये बेस्ट एडमिनिस्टर्ड पार्क है एशिया में। साथ ही साथ सतपुड़ा नेशनल पार्क है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, पेंच नेशनल पार्क है जो कि पेंच रिवर के नाम पर है, जो मध्य प्रदेश में पेंच रिवर बहती है, और ये मध्य प्रदेश पेंच रिवर जो है महाराष्ट्र में भी पाया, पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र में पाया जाता है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है। इंपॉर्टेंट डैम्स की बात कर लेता हूँ। देखिए, गांधी सागर डैम है जो कि चंबल रिवर पर है। बरगी डैम नर्मदा रिवर पर है जो जबलपुर में है, और जो नर्मदा रिवर है ये ऑफिशियल रिवर है जिसे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करती है, और नर्मदा रिवर को रिवर ऑफ हैप्पीनेस प्लेजर भी बोला जाता है, रिवर ऑफ प्लेजर। फिर बरना डैम है जो बरना रिवर पर है। टेम्पल्स की बात कर लूँ, महाकालेश्वर टेम्पल है, भगवान शिव का यहाँ पर टेम्पल है ये, महाकालेश्वर उज्जैन में है, यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। फ्रेंड्स, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो उज्जैन में रिवर है महाकालेश्वर के पास, वो कौन सी रिवर है। ओके, विश्वनाथ टेम्पल जो खजुराहो में है। फेस्टिवल की बात करता हूँ तो बुंदेली उत्सव, तानसेन समारोह और भगोड़िया फेस्ट, ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मध्य प्रदेश जो सेलिब्रेट किया जाता है मध्य प्रदेश में। फिर देखिए, कुछ सिटीज़ के रीनेम होते हैं, कुछ यूनिक नेम होते हैं, जैसे इंदौर को मिनी मुंबई बोला जाता है, इंडिया मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट सिटी है, इंडिया का मिनी मुंबई इंदौर को माना जाता है क्योंकि यहाँ पर कल्चर एंड फाइनेंशियली मुंबई से बहुत ज़्यादा सिमिलर है यहाँ पर, इसलिए इसको मिनी मुंबई बोला जाता है। मंडी को बोला जाता है पावर हब सिटी ऑफ इंडिया। ओके, पन्ना को बोला जाता है डायमंड सिटी। अब देखिए, एयरपोर्ट की बात करता हूँ तो एयरपोर्ट है इंदौर में देवी अहिल्या बाई एयरपोर्ट।
क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में कि हाँ देवी अहिल्या बाई एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है। राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में है, और दुमना एयरपोर्ट, दुमना एयरपोर्ट जबलपुर एयरपोर्ट को ही बोलते हैं जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ओके फ्रेंड, तो ये रहा इस वीडियो में मध्य प्रदेश थोड़ी सी स्टैटिक पार्ट, और जब मैं मध्य प्रदेश पूरे डिटेल्स में डिस्कस करूँगा तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें स्पेशली मध्य प्रदेश MPPSC पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट के पास पहुंच पाए, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। थैंक्स एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।